आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर मनीष कुमार गहलोत, नोबल अरेरा, बीकानेर, राजस्थान। तो अभी हम काफी वीडियो बनाए हुए, काफी समय हो चुका है, एक महीना हो गया है, तो आज से फिर से शुरुआत कर रहे हैं। तो आज हमारे पास, हम आपके सामने एक नया केस लेके आए हैं और केस के बारे में बताएंगे कि जो केस है, मॉडर्न लैंग्वेज में बात करेंगे, जो पैथी उसमें बोलते हैं लिकोडर्मा, और आयुर्वेद में बात करेंगे श्वेत पुष्प बोलते हैं। तो इसके अंदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जितेंद्र जी, जो हमसे उपचार ले रहे हैं और इनको भी उपचार लेते हुए डेढ़ महीना हो चुका है। तो इनके अंदर और डेढ़ महीने के अंदर काफी कुछ, मतलब कि ये सही भी हुए हैं, मतलब कि हम मान सकते हैं 100 में से कि 30-40% आराम आ चुका है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो भी इनकी व्हाइट स्किन थी वहां पे ब्लैक पैचेस पड़ने लगे हैं, कुछ स्किन तो बिल्कुल काली भी हो चुकी है जगह जगह पे, और इनके अंदर भी एक होप जनरेट हो चुकी है। क्योंकि ये शुरुआत हो गई थी पिछले, मतलब 10-15 दिन से स्टार्ट हो गया था, और अभी तो काफी कुछ, मतलब कि इनको भी कुछ बहुत कुछ अच्छा लग रहा है, इनके परिवार वालों को अच्छा लग रहा है, एक नई होप जागृत हो गई है। और बाकी जितना भी हम इनसे जानते हैं ये बताएंगे। हाँ जितेंद्र जी बताइए आपको। मेरे ये 8 साल का था तब से व्हाइट पेजेस होने लग गए थे। इसके बाद कि क्या हुआ कि मैंने काफी जगह इलाज करवाया था, इंग्लिश मेडिसिन, होम्योपैथिक और भी बहुत जगह इलाज करवाया था। मैं अहमदाबाद भी गया था इसका एक ट्रीटमेंट करवाने के लिए, लेकिन क्या है वहां पर एक टाइम के साथ ठीक हो रहा था लेकिन उसके साथ आगे भी बढ़ रहा था, इसका प्रॉपर वहाँ पर इलाज नहीं हुआ। उसके बाद मैंने अभी रिसेंटली 1.5 महीने पहले मेरे भैया ने बोला था कि आयुर्वेदिक में मेरे दोस्त हैं वहाँ से ट्रीटमेंट ले लें। मैं आयुर्वेदिक भैया के पास आया, उन्होंने कहा चलो कोई नहीं ठीक हो जाएगा 6-7 महीनों में। अभी तो 1.5 महीना हुआ है, मेरे 1.5 महीने में बहुत ज़्यादा फर्क है। भैया ने जैसे बताया कि 100 में से 30-40% तो ऑलमोस्ट ठीक हो चुका है, और आगे भी मतलब व्हाइट मतलब ब्लैक स्किन आ रही है धीमे धीमे, और मेरे को लगता है कि अब ये 6 या 7 महीने में लगभग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए फिर इन्होंने बताया, मेरे कहने का मतलब एक ही है कि जब हम अगर कोई चिकित्सक चिकित्सा करता है, अगर वो ठान ले कि उसको सही करना है पेशेंट के अंदर, मतलब इस प्रकार से चाहे शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों से उस पेशेंट को सही करना है, तो वो पेशेंट सही होगा चाहे बीमारी कैसी भी हो। लेकिन आपका उस बीमारी के प्रति भाव क्या है, आपका प्रभाव क्या है, क्योंकि आयुर्वेद में प्रभाव का बहुत मूल्य है। अगर हम कुछ औषधियों के प्रभाव से कार्य करते हैं तो आपकी चिकित्सा भी प्रभाव से कार्य करनी चाहिए। तो इसके अंदर भी मैं यही कहना चाहूंगा, हमेशा कोई चिकित्सक अगर चिकित्सा करता है तो अपने पेशेंट में पूरा 100% नहीं 1000% दे के चिकित्सा करें, और जो भी औषधियां देनी है, जो भी उनको प्रोसीजर कराने, वो सारे प्रोसीजर करें, और पेशेंट को रिजल्ट डेफिनेटली आता है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। और बहुत कुछ अच्छी अच्छी मेडिसिन है, शास्त्रोक्त मेडिसिन इस्तेमाल की, कुछ कंपनीज की पैटेंट मेडिसिन इस्तेमाल की, तो वो बहुत अच्छी बात है। और साथ में जो इनको आहार विहार में मैंने चेंजेस बताया कि भी आम खाने में क्या क्या लेना है, खाने में इनको लौकी का, चुकंदर का जूस और बताया, जो खट्टी चीजें होती है, नमक हो गया, ये सब खाने के लिए मना किया, ये नहीं खाना है, और इस चीज को फॉलो भी कर रहे हैं। और दूसरा हमें एक बात और कही कि इनको ये कहा था कि मैं कभी कभार आपको खाने का मन करता है, 1-1.5 महीने में कभी 15-20 दिन कब खा लेना, क्योंकि मन को भी शांत करना बहुत जरूरी है, मन की चिकित्सा भी करनी पड़ेगी, मन को ज्यादा परेशान नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना है। और इतना ही कहना चाहूंगा, और बाकी ये होता क्यों है, क्योंकि ये हम बात करते हैं तो ये आज के खान पान के परहेज के जो हो रही चीजें हो रही है विरुद्ध आहार की वजह से। विरुद्ध आहार एक बहुत बड़ा टॉपिक है, गर्म में ठंडा मिक्स करके खा रहे हैं, ठीक है, जैसे दूध हो गया, दूध के साथ फल खा रहे हैं, सेब खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, मतलब कोई पता ही नहीं है, मतलब अगर खाने की थाली ले रहे हैं तो उसके अंदर सब कुछ खट्टा मीठा हर चीज डाल दी, मतलब गर्म ठंडा, मतलब खाना खा रहे हैं उसके साथ में कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, मतलब गर्म गर्म कुछ भी खा रहे हैं उसके साथ ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, रात को खा रहे हैं डेढ़, हर कोई समय नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये सब चीजें हमारे दिनचर्या को प्रभावित करती है और आगे जाके बड़े बहुत समय बाद में ऐसी बीमारियां पैदा कर देती है, फिर उसकी वजह से दिक्कत होने लगती है। तो लेकिन बात ये होती है कि कई बार क्या इन चीजों का मान सकते हैं कि मतलब कि हमें साथ साथ दो चीजें पे, अगर हमारा जो विहार है, आहार विहार, वो भी फर्क पड़ता है, कुछ हमारे और भी इफेक्ट होते हैं, बहुत सारी चीजें और भी होती है, तो वो बात मान सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको मतलब कि काफी समय के बाद अगर ऐसी हो रहा है, अगर ऐसी डिजीज हो गई है, तो आप उसमें सही हो सकते हो, कोई होप ना छोड़े और उसमें चिकित्सा लें हर चीज उसमें, और इतना ही कहना चाहेंगे। बाकी हम ऐसे बड़े बड़े जो भी केस होगा आपके साथ समय समय पे डिस्कस करते रहते हैं, तो आगे भी ऐसे केस लेके आएंगे। आप सभी अपना ध्यान रखे रहें, और अभी कोरोना फिर से बढ़ने लगा है तो फिर से वही बात है कि जो आयुष मंत्रालय द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसको आप फॉलो करें, जो बताया गया है कि क्या क्या करना है, उसके अंदर हमें किस वक्त आयुष पात लेना है, घी लोई लेनी है, ठीक है, उसके साथ साथ दूध में जो गोल्डन मिल्क जो अपना बता रखा है कि भैया जो गोल्डन मिल्क लेना है हल्दी वाला दूध, तो उन सब चीजों का जो गाइडलाइन है आपको हमारे नोबल आयुर्वेदा के पेज पे सारी जानकारी मिल जाएगी, हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, तो हम ये कहना चाहेंगे। और बाकी आपको कुछ किसी प्रकार की जानकारी हमसे चाहिए तो आप हमसे हमारे जो नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर है इससे संपर्क कर सकते हैं।